एक छोटी सी गलती की वजह से हमें फॉलेज हो सकते हैं, और वो छोटी सी गलती हम रोजाना कर रहे होते हैं और हम उस गलती को गलती नहीं समझते। जब जाते हैं बाथरूम में नहाने के लिए, तो शॉवर जाने के बाद सबसे जो पहला काम वो करते हैं, वो अपने सर को नीचे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर होता क्यों, हमारे जिस्म का दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर होता है, वो बाहर के टेम्परेचर से बड़ा मतलब डिफरेंस होता है इनमें। बड़े डिफरेंस होने की वजह से जब हमारा सर पानी के नीचे होता है डायरेक्टली, तो कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर के पेशेंट अगर डायरेक्टली नीचे जाते हैं तो उनको फॉलेज हो सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ इक्वालिटी यहाँ पर पैदा करें, आप इक्वालिटी लें। अब इक्वालिटी कैसे आ सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है यहाँ पर कि आपने अपना एक पाँव नीचे करना है, फिर दूसरा करना है, फिर एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बॉडी पे आना है। और यहाँ पर छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस्लाम में गुस्ल का तरीका इसी तरह है। हमारे प्यारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का तरीका जो हमें फरमाया है, बताया है, उसको अगर फॉलो करके आप अपने नहाने की शुरुआत करते हैं तो यकीनन आप इससे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करके अपनी मोहब्बतों में इजाफा भी कर सकते हैं। अल्लाह।